सबसे पहले यहाँ पे जो आए हुए सारे अतिथि लोग हैं, गेस्ट है, उनको मेरी तरफ से सारे प्रणाम। आज जो फिल्म के मुहूर्त है उसका नाम है प्यार के धड़कन, एक रोमांटिक लव स्टोरी है और इसके मेन लीड है पावर स्टार सुपर स्टार पवन सिंह जी और उनके को स्टार है शिखा मिश्रा। बाकी अभी इसमें कास्टिंग है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी। इसके साथ और आप पूछिए क्या चीज़ है। उनके जो प्रोड्यूसर हैं भूपेन भगत जी और शिखा मिश्रा, हाँ, तो शिखा मिश्रा जी फिल्म की क्या कहना चाहेंगे? शिखा मिश्रा जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे साथ में इससे पहले दो पिक्चरें कर चुकी हैं और भूपेन्द्र भगत जी जो प्रोड्यूसर है काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर हैं और इससे पहले दो तीन फिल्में बनाई है, तो उनका डेडिकेशन पैशन काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि मतलब हमारे साथ में भी वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे फिल्म की शूटिंग बॉम्बे में भी होगी और यूपी में दोनों जाएगी। फिल्म ये संभवतः 15 अगस्त 2016 देखिए। अभी दर्शकों के लिए तो सबसे पहले हमारी इससे पहले एक मूवी आ रही है, उसका नाम है भोजपुरी राजा। उसका एक मशहूर डायलॉग है जो पवन जी ने बोला है, अकेले आ जा या झुंड में आ जा, सबके बाजेला बाजा जो सनकेला भोजपुरी राजा। तो ये फिल्म रिलीज है अगले महीने 19 फरवरी को पूरे बिहार में और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसी तरह ये हमारी दूसरी तीसरी फिल्म है प्यार के धड़कन, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इसको अच्छे से बनाने का। इसका म्यूजिक काफ़ी अच्छा बन रहा है, कहानी भी काफ़ी अच्छी है और भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं इसको अच्छे से सिनेमा हॉल तक पहुंचाऊं। बाकी जनता जनार्दन भगत सर के बारे में क्या कहेंगे? भूपेन्द्र भगत जी एक बहुत अच्छे मेकर है, इससे पहले उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई, सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इस बार उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि इस फिल्म को भी भोजपुरी राजा की तरह सिनेमा हॉल तक अच्छे तरीके से पहुंचाऊं। थैंक यू। राजू भाई, प्यार के धड़कन का मुहूर्त है और इसमें आपके दोस्त सागर पांडे जी जी हाँ, और जैसे कि आप जूनियर शाहरुख खान और जूनियर सलमान खान, क्या कहना चाहेंगे आप लोग की दोस्ती है और ये पर्दे में देखी मारी है? पहले तो मैं सारी मीडिया को नमस्कार करूँगा राजू रैकवार की ओर से। अरे प्यार की जो धड़कन है और किशोरी फिल्म्स, मालिक इनको इनकी सोच से ज़्यादा दे, इनको तरक्की दे। बहुत मेहनत करती भोजपुरी इंडस्ट्री और इसमें कलाकार भी माशाल्लाह बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सागर पांडे मेरे बहुत पुराने मित्र, 20 साल से मेरा दोस्त है और भाई के साथ भी उसने, सलमान भाई के साथ भी काफ़ी काम किया है। मेरे डायरेक्टर साहब भी आए हुए यहाँ पे, इकबाल साहब, उनको फिल्म की मुबारकबाद देने के लिए। और मालिक करे पिक्चर सुपर डुपर हिट और मेरे भाई का नाम जैसे सलमान भाई का नाम है उस नाम से मेरे भाई के नाम से पहचाने, सागर पांडे के नाम से। सर के लिए ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, ऐसी इंटरटेनिंग फिल्में बनाते जाइए, पारिवारिक फिल्म जो हम हमारे पूरे परिवार के साथ बैठ के देखें। जैसे भोजपुरी फिल्में होती है कुछ परिवार नहीं जा पाता है, तो मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री से दरखास्त है, क्योंकि मेरा शुभम तिवारी भी दोस्त है, पवन भाई भी मेरे अच्छे दोस्त है, एफबी फ्रेंड है मेरे, मैं चाहूँगा कि पारिवारिक फिल्म बनाए कि हम परिवार को लेकर फिल्म देख सकें। जी हाँ, शिखा मिश्रा का मैंने एक सीरियल देखा था, वेरी टैलेंटेड गर्ल है, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है वो। उसके मैंने एक्टिंग देखी, मैंने सागर भाई से भी कहा था पांडे से, यार ये लड़की में दम है बस, ये कुछ काम करी आगे। और इंशाल्लाह आज मैं यहाँ पर आया तो मेरे कुछ मुकाम के लिए आया हूँ मैं, और हो सकता है शायद अभी नेक्स्ट फिल्म हमारी साथ में शिखा मिश्रा करने वाली, बहुत जल्दी आप लोग को अनाउंसमेंट करूंगा और इंशाल्लाह आप लोग को आमंत्रित भी करूंगा कि आप सभी लोग आइए। आपका दिल भी धड़क रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम सबको बता देते हैं कि प्यार का धड़कन एक ऐसा शब्द है कि सबका दिल धड़के और जो जो जितने लोग ये पिक्चर के देखे हैं सबका दिल जोर जोर से धड़के। और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इसमें पवन सिंह मेन लीड कर रहे हैं, शिखा मिश्रा मेन लीड कर रही हैं एज ए हीरोइन, और मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कह सकते हैं, दोनों रोल में हूँ मैं, और बहुत जबरदस्त रोल है। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, मेरी ऑडियंस देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा भोजपुरी फिल्में नहीं किया हूँ, अभी अभी आया हूँ, मेरी एक फिल्म अभी आ रही है जोड़ी नंबर 1,
उसके बाद ये मेरी दूसरी फिल्म है जिसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत धमाल करेंगे। सर बात करें जैसे कि पिछले 15 सालों से आप सलमान खान जी के बॉडी लेवल करते हैं, अभी रिसेंटली बजरंगी भाईजान से लेके अब तक का सफर चला है प्रेम रसम पाया तक, तो आप इतना बिजी रहने के बावजूद आप प्यार के धड़कन के लिए यानी भोजपुरी सिनेमा के लिए कैसे समय निकाल पा रहे हैं? अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, काम करे का है, जितना काम करा जितना काम मिले, हमारा सबका एक ही कहना है कि आप जिससे प्यार करेंगे ना वही आपसे प्यार करेगा, अगर आप काम से प्यार करते हैं तो काम आपसे प्यार करता है। तो सलमान भाई के साथ में बॉडी डबल करता हूँ वो एक अलग पार्ट है, और मैं अपनी खुद की एक्टिंग करता हूँ क्योंकि मैं एज ए बेसिकली एक्टर ही हूँ तो एक्टिंग करता हूँ वो अलग पार्ट है। वो बॉडी डबल का एक सिलसिला चलते आ रहा है, भाई से मेरा बहुत प्यार है वो करते रहता हूँ, और उनकी सारी फिल्में मोस्टली मैं ही करता हूँ, और ये जो हिंदी फिल्में हैं और भोजपुरी फिल्में हैं इसमें एज ए एक्टर करना एक डिफरेंट पार्ट है और बहुत मजा आता है, और मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। दो शब्द कुछ आपके अंदाज में दर्शकों के लिए हो जाए, प्रतापगढ़ की छवि दिखनी चाहिए। अरे भैया प्रतापगढ़ की छवि दिखे जब ये पिक्चर रिलीज हुए ना, तब प्रतापगढ़ का पूरा यूपी बिहार सब जगह मजा आई और पिक्चर बहुत धमाल करी। हमारे डायरेक्टर जो है सुजीत सिंह वो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, और आजकल जैसे लोग कहते हैं ना कि आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान, वैसे इस फिल्म में हमारे तीन सुपरस्टार भोजपुरी के उसमें से एक हैं हमारे दबंग पवन सिंह, और उनके साथ बहुत मजा आएगा काम करके, आप लोग पिक्चर जरूर देखिएगा तब और मजा आएगा। लव यू, थैंक यू। रोल हो जाए तो बोलिए। हां रोल जी, हां सर रोल क्या कहेंगे, प्यार के धड़कन का मुहूर्त हो रहा है, आप पूरी टीम को क्या कहेंगे और इसमें आप किस तरह से हिस्सा बनेंगे? भाई हमारा तरफ से सबके लिए शुभकामना बा, आशीर्वाद बा, प्यार बा, खास करके हमारे मित्र डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह खातिर, उनका साथ हम बहुत सारा प्रोजेक्ट के लिए बनी। धूपेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छा मेकर बानी, वहाँ के पिछला फिल्म हम कलियर रनी नाम रहे, क्या नाम था पिछला फिल्म का, हो कहिया बियाह बोला कर, तो हम में हीरो के बड़े भाई के रोल के लिए रहनी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहे, सिनेमा बहुत साफ सुथरा रहे, ये फिल्म खातिर भी शुभकामना बा, खास करके पवन जी के लिए कि वहाँ के बना रहल बनी, हम उम्मीद करता नहीं माता रानी कृपा बनी रहे, फिल्म हिट हो और साफ सुथरी फिल्म बनाने वाले लोग हैं शिखा के लिए भी शुभकामनाएं हैं, नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत। अरे चलिए ये एक अलग तरह की कहानी है, मैंने सबसे पहले एक फिर दौलत की जंग बनाई थी 2013 से, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और उसके बाद मैंने 2014 में बनाई कहिया बियाह बोला करब, ये काफ़ी अच्छी रही, और इसकी कहानी कुछ डिफरेंस तरह की है, अलग अलग तरीके की है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी, और ऐसे भी इसमें स्टार हीरो भी हैं पवन जी हैं। बहुत अच्छी बात है अगर इस लाइन में लड़कियां भी महिलाएं भी आएं आगे बढ़ें तो अच्छा लगता है, तो जहां तक है मेरा हर तरह से सहयोग रहेगा कि आगे भी वो फिल्में करें इसके बाद भी करें, बतौर हीरोइन का भी काम करें जी। आपकी कौन-कौन फिल्में आ चुकी हैं? मेरी पहली मूवी फिर दौलत की जंग थी, कहिया बियाह बोला करवा, और पंडित और पठान इसके बाद होने वाली है, उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है, और ये प्यार की धड़कन, मतलब आपकी ये हैट्रिक फिल्म होगी। हाँ हाँ भूपेंद्र जी बात करें तो उम्र के हिसाब से बचपना तो खत्म हो ही जाता है, जब जिम्मेदारी आती है तो बस इंसान बचपना या एज कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ से ये एक्सपीरियंस काम आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। बात करें ये पवन जी के हिसाब से वो हमें अप्रैल में डेट दे रहे हैं, तो लगभग अगस्त के आसपास ये कहाँ कहाँ पे ये पिक्चराइजेशन होने वाला है, कहाँ कहाँ का शूट करने वाले हैं? मुंबई में ही सोच रहे हैं जी। गानों की बात करें तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे प्यार के धड़कन पूरी टीम को, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? प्यार की धड़कन में सभी की धड़कनें बढ़ें, फिल्म ऐसी बने और ऐसी बनेगी कि सब देखते रहेंगे उसे और सबकी धड़कनें बढ़ेंगी कि आगे क्या इस फिल्म में, बहुत हट के नाम है, हट के फिल्म है, हट के कहानी है, और मैं आसानमंद हूँ भोजपुरी भगत का
शिखा मिश्रा जी का और हमारे डायरेक्टर सुजीत सिंह का, जिनके साथ में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने हिंदी में एक 150-200 फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर और महेश राज मेरा नाम है हुआ है। अभी मैंने महेश राज पांडे करके भोजपुरी में शुरुआत नहीं की, 10-15 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी गैप के बाद ये फिल्म कर रहा हूँ मैं। और ये शिखा मिश्रा जी की मेहरबानी की वजह से अच्छा रोल दिया उन्होंने मुझे, और मुझे हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ, माशाल्लाह उन्हें खूब सफलता प्राप्त करें, बधाई है, फिल्म खूब चले, आगे भी बनाती रहें। हमारे प्रोड्यूसर साहब सुपेंद्र भगत भी बनाते रहें, हम काम करते रहें, यही मेरी शुभकामना है, आशा है मेरी।